हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए आज जो ट्रिक लेके आया हूँ, ये ट्रिक एक्चुअली आपके पेपर में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जिसको आप अगर ये फॉर्मूले और जो डेफिनेशंस हैं अगर इसको अच्छे से समझ लिया जाए तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके पास मिनिमम टाइम में जो मैक्सिमम आपको दी जा सके वो मैं हमेशा अपने वीडियो में कोशिश करता रहता हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपको ये एक आइडिया मिले कि वीडियो का मेन थीम क्या था और आप क्या चाहते हो, कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, कि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आप बहुत सारी स्टडी करते हो, बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हो, उतना चीज़ों को स्टोर कर पाना अपने ब्रेन में पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए हमेशा कोशिश रहती है कि एक ऐसी ट्रिक को लाके दूं जो कि आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसको खूब अच्छे से पढ़ो और आपके पास उतना स्ट्रेस भी ना हो, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना पड़े, ध्यान में रखना पड़े, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाए, ऐसी कोशिश रहती है। तो चलिए, मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो पार्ट जो है आपका सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट डिटेक्ट करता है, सिर्फ करंट डिटेक्ट करता है, ना कि उसको मेजर करता है। ठीक है, मेजर करता है एम्पियर मीटर। गैल्वेनोमीटर अगर हल्का सा भी अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो किसी भी पोर्शन में से, तो वो एक ह्यूज डिफ्लेक्शन, एक लार्ज डिफ्लेक्शन को दिखलाता है। जो यहाँ पे आप निडिल देख रहे हो, ये निडिल है, अगर इसमें आप जैसे ही वायर को कनेक्ट करते हो और पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दोगे, तो इसमें जो है एक मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हो सकती है वो आपको यहाँ पे आपके इस गैल्वेनोमीटर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे इसके डिफिनेशंस को भी आपके लिए यहाँ पे लिखा है। आप देख सकते हो कि इसके डिफिनेशंस को जो लिखा है मैंने, डिफिनेशन में है कि इफ गैल्वेनोमीटर शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो हमारा पॉइंटर, देखिए ये पॉइंट मैं क्या दिखा रहा है, ये लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन। लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये निडिल जो है इसकी डिफ्लेक्शन, अगर ये निडिल अभी इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट से अगर मैक्सिमम जो इसका 30 का यूनिट है इस पे आ जाए, या अदरवाइज दूसरी तरफ साइड में इस तरफ आ जाए, तो ये एक लार्ज डिफ्लेक्शन को दिखलाएगा। इवन व्हेन ए स्मॉल करंट को अगर आप पास कराओ, बहुत ही कम करंट को पास कराओ, चाहे वो माइक्रो में हो, नैनो में हो, या फिर आप ऐसा करो कि स्मॉल वोल्टेज इससे आप अप्लाई कर दोगे इसके अक्रॉस, तो गैल्वेनोमीटर जो है एक लार्ज डिफ्लेक्शन को दिखलाता है। इसलिए पूरे डिफिनेशंस को आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है इफ गैल्वेनोमीटर शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट और अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट, देन अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी हाईली सेंसिटिव। तो ये सेंसिटिवनेस थी गैल्वेनोमीटर की, कि कितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो सकता है। सेंसिटिव होने का मतलब अगर इसे छोटे से अमाउंट का करंट या पोटेंशियल भी पास हो जाए तो इसमें ह्यूज डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं आपके पास जो दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूं वो करंट सेंसिटिविटी की है। देखिए ये जो पार्ट है, ये डिफ्लेक्शन जो है कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होती है गैल्वेनोमीटर की ये निडिल, ये भी देखने वाली बात होगी। एक्चुअली हमारे पास, इसलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूं कि आप देख सकते हो यहां पे करंट सेंसिटिविटी जो लिखा हुआ है इसमें, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर यूनिट करंट भी पास हो रही है तो जो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है गैल्वेनोमीटर में, जो कि आप गैल्वेनोमीटर से होके पास करा रहे हो, उसी पे ये बेस्ड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पे जो हमने इसके डेफिनेशन को लिखा है, आप देखो इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला आप देख रहे हो, फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी को मैं आई एस से रिप्रेजेंट करता हूं,
और डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन अल्फा जो है ये डिफ्लेक्शन को बताएगा, जैसे कि मैंने बताया ये नीडल जो है ये मूव करेगा, अगर ये 10 पे आए या 20 पे आए जिस पे भी आएगा, तो वो डिफ्लेक्शन की यूनिट को आप यहाँ लिखोगे, और कितना करंट सप्लाई किया है आपने तो इसको देखेंगे हम लोग। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और अल्फा आप गैल्वेनोमीटर के जो प्रूफ आती है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के लिए, तो उसमें आप देखोगे फार्मूला जो आता है बी एन ए अपॉन के। तो ऐसे तो नॉर्मली लिखा होता है एन बी ए, क्या लिखा होता है एन, आप देखोगे बुक में किसी भी बुक में देखोगे वो लिखा होगा एन बी ए अपॉन के, लेकिन बी एन ए अपॉन के लिखने का मेरा पर्पस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि मेरी कोशिश क्या है, एक ट्रिक आपको दूं, तो इसको आप बना के ये एक ट्रिक हो गया बी एन ए बना के, तो करंट सेंसिटिविटी इस बना के इक्वल है। अब करंट सेंसिटिविटी के बाद जिस तरह से डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट दिखा था आपने, उसी तरह से डिफ्लेक्शन पर यूनिट अगर वोल्टेज की जाए तो वो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। तो आइए अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में आपको मैं इसके डिफिनेशन को पहले मैं दिखाता हूं, और उसके बाद उसके लिए भी जो ट्रिक होगी उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है एग्जाम में आता तो है ही, इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि ये है कैसा और किस तरह से इसको आपको लर्न करना है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है इस छोटे से पोर्शन को भूल जाते हैं, और ये इसके साथ प्रैक्टिकल्स में भी एक्सटर्नल्स पूछते हैं कि फार्मूला बताइए करंट सेंसिटिविटी के लिए और क्या क्या है, किस पे वो डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो देखिए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल, अभी क्या है डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल, और इससे पहले क्या था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो V इक्वल टू होता है IR, IR रख दिया आपने, तो अल्फा की जगह पे तो आपने बना बी एन ए लिख दिया था और ये के आर है। तो अब इस बार जो है इसी फॉर्मूले के लिए जो मैंने आपके लिए ट्रिक यहां पे लिखा है वो है बना कर, अगर पोटेंशियल है और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात की जा रही है तो वो बनाकर होती है, करंट बना के और पोटेंशियल जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो बना कर। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो, बिल्कुल सिंपल मैंने इसलिए इसके लिए ट्रिक आपके लिए लिया है। अब फैक्टर किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है फैक्टर ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है, तो जो अभी तक हमने फॉर्मूला स्टडी किया है उसी को देखते हुए यहां पे मैं आपको इसको टिक आउट कर रहा हूं कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो पहला है आप देखिए एन पे, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल, जैसा कि आप जानते हो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में इस तरह का एक रेक्टेंगुलर कॉयल होता है, और ये रेक्टेंगुलर कॉयल का कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस पे ये डिपेंड करेगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल। दूसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आप देख सकते हो नॉर्थ और साउथ, एक्चुअली ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा गैल्वेनोमीटर होगा। तीसरा पॉइंट है एरिया, एरिया किसका, एरिया इसका इस रेक्टेंगुलर लूप का जिसमें आपने इसको बी माना है और इसको ए माना है, तो ए इंटू बी लिख के आपने इसको एरिया से रिप्रेजेंट किया है। और चौथा पॉइंट है टॉर्सन कांस्टेंट के, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में भी आपने यूज किया है, तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जिस पे कि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब इस फैक्टर के बाद मैं आपके लिए आता हूं, हालांकि ये जो पॉइंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मुझे सबसे पहले ही डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन चूंकि फॉर्मूले के ट्रिक को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको आपको पहले डिस्कस नहीं किया था, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये पॉइंट। ये फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर का जो फॉर्मूला आया था गैल्वेनोमीटर जी, ये वन अपॉन अल्फा मतलब डिफ्लेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, द करंट विच प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन, कितना डिवीजन है डिफ्लेक्शन वन स्केल डिवीजन है,
किसमें? गैल्वेनोमीटर में। तो इस तरह का जो पार्ट होगा इसको आप बोलोगे फिगर ऑफ मेरिट, और अल्फा की जगह पे तो आपने बना के लिखा ही था, तो बना के, लेकिन इस बार जो फॉर्मूला है आपका जी के लिए जो कि मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, वो ठीक उल्टा हो जाता है। तो उल्टा बना के हो गया ये, अभी तक सीधा बना के आपने किया था, अब क्या किया? उल्टा बना के, ठीक है। और ये ट्रिक इस तरह से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला आपके लिए क्या था? सबसे पहला मैं आपको एक बार फिर से आपको रिवाइंड कर देता हूं, ताकि आपके ध्यान में रहे कि कौन कौन से पार्ट्स को हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो आइए, सबसे पहला मैं ये वाला दिखा रहा हूं आपको, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या था? बना के। वोल्टेज सेंसिटिविटी बनाकर। और फिर फैक्टर के बारे में तो आपको पता है किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ये भी बना के फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बना के बी एन ए के यही है सारा, सेम वही चीज है। तो आप अब दूसरे पार्ट में जाने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि इसी से आपका ये चार चीज आपको लर्न हो जाता है। और जो एक पार्ट है जो गैल्वेनोमीटर का मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, वो उल्टा बना के है, क्योंकि के बाय एन बी एन ए है, ठीक है। और अभी मैं और भी आपके लिए जो वीडियो लाऊंगा उसको आप देखते रहना, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये सारी अपडेशन आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। थैंक यू।